दोस्तों कोई भी खास ओकेज़न हो या कोई भी फेस्टिवल हो तो अपने यहाँ पूड़ी कचौड़ियाँ तो जरूरी बनती हैं और उसमें बहुत ही मस्त बनती हैं आलू की कचौड़ियाँ। तो फ्रेंड्स आज मायशी रेसिपी में ये बहुत ही मस्त वाली आलू की कचौड़ी बनाएंगे। पूरे टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी आलू की कचौड़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन होते हैं ना उसे जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही परफेक्ट आलू की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने लिया एक कप जितना नॉर्मल गेहूं का आटा, एक कप जितनी मैदा ले ली। आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं, गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं तो दोनों को मिक्स कर दीजिए। और उसके साथ ही मैंने लिया है आधा कप जितनी सूजी, यानी कि दो कप हमारी मैदा और गेहूं का आटा मिलाकर हुआ और आधा कप उसमें सूजी चली गई। और इसमें आपको जो सूजी लेनी है थोड़ी सी बारीक वाली लें। और उसके बाद मैंने डाला टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ एकदम परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है वो सब भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी। उसके बाद मैंने लिया है बिल्कुल वजन करके आधा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, और आपको इसमें जो बेकिंग पाउडर डालना है बिल्कुल आधा चम्मच डालना है, ना थोड़ा सा भी कम ना थोड़ा सा भी ज़्यादा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे देसी घी का मॉइन। फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल डालते हैं तो आप इसमें 3 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं, अगर आप देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस इतने में आप 2 टेबल स्पून डालिए। और 2 टेबल स्पून देसी घी से आपकी जो कचौड़ियाँ बनेंगी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम उड़द की दाल की या मूंग की दाल की कचौड़ी बनाते हैं या मसाले वाली कचौड़ी बनाते हैं तो उसमें मॉइन थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, लेकिन आलू की कचौड़ी में मॉइन थोड़ा सा कम जाता है। और मॉइन को मिक्स करने में मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि आप 1 मिनट का समय ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता हों, काफ़ी देर तक वो क्रिस्पी रहें, तो आप उसमें 2 टेबल स्पून जितना दही डाल दें। और ये दही तो आपकी रेसिपी में एकदम कमाल करेगा और ये अच्छा खासा बेकिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करेगा और उससे आपकी कचौड़ियाँ काफ़ी फुली फुली सी बनकर तैयार होंगी। उसके बाद एकदम नॉर्मल पानी लिया और उससे इस तरीके से बस रफली सा डो लगा लिया, आपको इसे बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है। और उसके बाद कवर करके आप 15 मिनट तो ज़रूर रखें। अब बनाएंगे फ्रेंड्स मसाला, और मसाले में पहले बनाएंगे हम एक और मसाला जिससे कचौड़ियाँ बनेंगी बहुत ही मज़ेदार। तो मैंने 1 टीस्पून जितना जीरा लिया, और जितना जीरा लिया उसका जस्ट डबल हम लेंगे होल धनिया। और इसके लिए आपको धनिया और जीरा जो लेना है उसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा अरोमा आने लगे, हल्का सा कलर चेंज हो, एकदम परफेक्ट तैयार है। और उसके बाद मैंने इसे हल्का सा दरदरा सा पीस लिया, इसे आपको बारीक नहीं करना है, बारीक कर लिया तो टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो बस हल्का मोटा सा रखे। तो चलिए अब बनाएंगे स्टफिंग, और हम आलू की कचौड़ी बना रहे हैं तो इसलिए मैंने ले लिए हैं ये 4 बड़े साइज के आलू जिसे ओवर कुक नहीं किया है लेकिन अच्छे से उबाल लिया है। और उसके बाद कद्दूकस कर लिया, और आप देख सकते हैं जो आलू है अच्छा खिला खिला सा है। अब आइए स्टफिंग को भूनने की, और भूनना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन भूनते हुए ध्यान रखें कि आप जो कुकिंग ऑयल या देसी घी लें उसे बहुत ज़्यादा न लें, वरना स्टफिंग करते हुए प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, और आप डाल दिए ये आलू। फ्रेंड्स जितना अच्छा समय आप आलू को भूनने में लगा लेंगे ना उतनी ही आपकी मज़ेदार कचौड़ियाँ बनेंगी, क्योंकि आलूओं में होता है मॉइस्चर, और जब वो मॉइस्चर हमारी कचौड़ियों की फिलिंग में जाएगा तो वो कचौड़ियों को सोगी कर देता है। लेकिन अगर हम आलूओं को ही बढ़िया सा भून लेंगे उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी जो कचौड़ियाँ हैं लॉन्ग टाइम तक एकदम क्रिस्पी रहेंगी। तो बस करीब 5 से 6 मिनट तक हम उसे भूनेंगे। और उससे पहले वो जो हमने मसाला बनाया था उसमें से आधा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्ची डाल दी, और उसके साथ ही मैंने लिया 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, और 1/2 टीस्पून ले लिया चाट मसाला, और ये गया हरा धनिया। फ्रेंड्स आप नोटिस कर सकते हैं कि मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक अभी हम थोड़ा सा रुक के डालेंगे, और उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पहले नमक डाल देते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर उसे थोड़ा सा रुक के डालते हैं तो स्टफिंग में क्या बात रहती है। तो अभी मैंने इसे 3 मिनट भुना, और आप देख सकते हैं इसका काफ़ी सारा मॉइस्चर उड़ चुका है, तो इसी समय हम इसमें नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद में 4 मिनट मैंने इसे और भुना है, और आप देख सकते हैं जो स्टफिंग है काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया। तो चलिए इसे कूल डाउन कर लेते हैं, और जितने ये कूल डाउन होती है
इतने ही अपना डो देख लेते हैं और डो को अब हम करीब 1 से 1.5 मिनट तक बढ़िया सा मसल लेंगे। और ये देखिए डो काफ़ी स्मूथ सा हो गया है और इसका आपको जो डो लगाना है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, जैसे नॉर्मली कुलचे का रखना है वैसा भी नहीं रखना है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम नॉर्मल चपाती का डो रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको डो रखना है। और उसके लिए बाद मैंने इसके डो बॉल बनाकर तैयार कर लिए और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट साइज के हैं। और इधर जो हमारी जो स्टफिंग थी अब ये भी कूल डाउन हो चुकी है, तो इसे उलट पलट कर एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इसे काफ़ी ड्राई सा हमने भून कर तैयार किया है। तो उसके बाद हम इसके इस तरीके से बॉल तैयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि जितना मैंने आटे का डो लिया है बिल्कुल उतना ही स्टफिंग लिया है। इससे स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और कचौड़ियाँ आपकी लाजवाब बनकर तैयार होंगी। और उसके बाद इस तरीके से आप इसे कटोरी का शेप दीजिए, बीच को आप थोड़ा सा मोटा रखिए और साइडें रखिए थोड़ी सी मोटी पतली, क्योंकि जो हम इसको ऊपर से स्टफ़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का जितना पोर्शन था वो इकट्ठा हो गया है। और आपने देखा ना मैंने जिस तरीके से पोटली सी बनाई है वो ज़रूर बना लें, उससे फटने के जितने भी चांसेस होते हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि स्टफिंग अच्छे से सिक्योर हो जाती है। एक और कटोरी बनाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स आप इसे हाथ पे ही बनाएं, अगर हाथ में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे फ्लैट सरफेस पर या चकले पे रखकर भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। और ये देखिए मैंने पोटली सी बनाई और आप चाहें तो इसमें से थोड़ा सा आटा निकाल सकते हैं और आप चाहें तो इसी में लगा सकते हैं। और ये देखिए परफेक्ट एक और डो तैयार है। उसके बाद मैंने एक और डो लिया और उंगलियों से आप देख सकते हैं, नोटिस कीजिए मैंने इसे एकदम साइडों से प्रेस किया है, स्टफिंग रखी और फिर से वही प्रोसेस किया, चुन्नटें भरते जाएं अच्छे से सिक्योर करते जाएं। और इस तरीके से आप आटा निकाल सकते हैं जिससे ये बढ़िया सा सिक्योर हो जाएगा। और अब आ रही है फ्रेंड्स इसे बेलने की, बेलने के लिए आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप चाहें तो बस इस तरीके से उंगलियों से हल्का हल्का सा थपकते जाएं जिससे आपकी कचौड़ी परफेक्ट बड़ी भी हो जाएगी। तो ये देखिए परफेक्ट हमारी कचौड़ी तैयार है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी पतली भी बना सकते हैं, लेकिन कचौड़ी थोड़ी सी मोटी रहेगी तो ज़्यादा देर तक खस्ता रहेगी क्योंकि उसमें हम सेकने का जो टाइम समय देंगे वो ज़्यादा देंगे। कचौड़ी के लिए आप जब ऑयल लें कभी भी बहुत ज़्यादा हाई हीट पर ना लें, उससे कचौड़ियाँ फटाफट से सिक जाएंगी और वो क्रिस्पी नहीं रहेंगी। तो इसका जो मेन वो होता है वो सेकने पे डिमांड करता है कि आपने कचौड़ियों को किस तरीके से सेका है। अगर आपने इन्हें फटाफट से डाला फटाफट से सेक लिया, कचौड़ियाँ सिक तो जाएंगी, जिस समय खाएंगे अच्छी भी लगेंगी लेकिन बाद में वो क्रिस्पी नहीं रहेंगी। तो बस उसके लिए बढ़िया है कि आप एक बार में ज़्यादा सी कचौड़ियाँ डाल दें। और जब आप कचौड़ी समोसे पकौड़े कुछ ऐसा बनाएं तो एक बार और कोशिश करें कि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालें। आपने हलवाई वगैरह को देखा होगा कि वो एक बार में काफ़ी सारा ऑयल डालते हैं, उसमें काफ़ी सारे समोसे कचौड़ियाँ डाल देते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो 20, 25, 30 मिनट तक उसे सेकते रहते हैं जिससे वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम घर में 20, 25 मिनट तो नहीं सेक सकते, लेकिन कोशिश करें कि आप इसे 10 से 12 मिनट तक ज़रूर सेकें। यानी बस करना क्या, आपको फ्लेम पर निगाह रखनी है तो आपको एकदम परफेक्ट बहुत ही क्रिस्पी सा रिजल्ट मिलेगा। कचौड़ियों का रिजल्ट देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट आया है। ये मैंने रखी तीखी सी चटनी प्लेन दही, मुझे दही के साथ कचौड़ियाँ बहुत ही पसंद है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त हमारी कचौड़ियाँ तैयार हुई हैं, लग रही है ना एकदम हलवाई जैसी। और ये जितनी इस समय क्रिस्पी है ना, अगर आप इसे 2-3-4 घंटे बाद भी खाएंगे तो इतनी ही क्रिस्पी रहेंगी, बिल्कुल समोसे जैसा आपको ये टेस्ट देने वाली हैं। और क्योंकि हमने इसमें ज़बरदस्त स्टफिंग भरी है, वो भी बहुत सारी भरी है, तो फ्रेंड्स मुझे तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी।